एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे और मौसम को एंजॉय कर रहे होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में और मौसम को भी एंजॉय कर रहे हैं। और मसरूफियत भी बहुत है, दो दिन से मैं व्लॉग भी नहीं अपलोड कर पा रही, और हालांकि क्लिप्स रेडी थे बट एडिटिंग वगैरह का टाइम नहीं मिल रहा था। तो आज इंशाल्लाह ये व्लॉग अपलोड हो जाएगा, तो आप लोग देखिएगा और एंजॉय कीजिएगा। और कुछ आप लोगों को थंबनेल से तो अंदाज़ा हो ही जाएगा कि हम कहाँ गायब थे और क्यों गायब थे। तो ये हम पहुँच चुके हैं मूवेनपिक होटल में, और आगे की जो पूरी जर्नी है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और ये आप देखें हमारा जो है कैसा रहता है, तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। और आई होप कि आपको ये बहुत पसंद आएगी। और यहाँ पे जो है मैं बहुत ज़्यादा और कह रही हूँ, यहाँ पे वो जो बस होटल के स्टार्टिंग का जो आपको चेक इन का प्रोसीजर होता है वो चल रहा है। तो मैं होटल की तरफ थोड़ा सा मैंने टूर किया होटल का, फिर यहाँ पे हम अपने रूम की तरफ चले। तो ये ट्रिप हमारा एनिवर्सरी की सेलिब्रेशन का ट्रिप था जो हमने होटल में स्टे करके किया, और एक अच्छा चेंज मिल गया। हमेशा घर पर और कहीं खाना खा के हम लोग करते हैं, लेकिन ये जो है हमारा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा और हमें बहुत मज़ा आया। तो ये कमरे में हम जैसे ही आए हैं तो ये अब देखें, मैं आपको रूम टूर दे रही हूँ, तो पूरा रूम टूर तो मैं आपको दूंगी अभी पूरे तरीके से। ये तो अभी जैसे ही हम कमरे में आए तो मैंने एक छोटी सी वीडियो बनाई। तो ये देखें, ये पूरी लॉबी है और ये हमारा रूम है इस तरफ। तो आइए आप लोगों को एक रूम टूर देती हूँ। तो ये जैसे ही हम अपने रूम में आए तो ये, क्योंकि हमारा एनिवर्सरी का ट्रिप था तो ये उन्होंने एक थोड़ी बहुत डेकोरेशन की हुई थी, और ये होटल की तरफ से था, और ये इन्होंने हार्ट जो है बनाया हुआ था। बड़ी हंसी आ रही थी मुझे इसको देख के। तो ये साथ एंटर होते ही ये साथ में वार्डरोब थे, इसमें देखिए सबसे ऊपर कुरान पाक रखा हुआ है, फिर एक लॉकर है, और नीचे शूज़ वगैरह रखने के जो है इन्होंने स्टैंड बनाया हुआ है। सारी चीज़ें बहुत ऑर्गेनाइज थी। और इस होटल का नाम तो आप लोगों को थंबनेल में आप लोगों ने देखा ही होगा, लेकिन बहरहाल मैं बता दूं, ये मूवेनपिक कराची है। और इसमें ये देखें हर चीज़ जो है अवेलेबल है, आपको कोई चीज़ लाने की ज़रूरत नहीं है। इस्त्री का स्टैंड है यहाँ पर, और शैम्पू, टूथपेस्ट, टूथब्रश, जो वो तो खैर होटल में होते ही हैं, लेकिन इसके बावजूद मैं आप लोगों को डिटेल में बता दे रही हूँ। ये टी स्टेशन था जो कि मेरा फेवरेट है, और यहाँ पर जो है चाय का पूरा सामान मौजूद था, स्नैक्स मौजूद थे, नीचे फ्रिज है, और फ्रिज में भी स्नैक्स वगैरह रखे, चॉकलेट्स वगैरह रखी हुई थी, ड्रिंक्स वगैरह थी, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल थी। तो ओवरऑल बहुत ही अच्छा, बहुत नाइस, बहुत ही क्या कहना चाहिए कि स्टाफ बहुत अच्छा था, तो बहुत पुरसकून सा होटल था। फिर ये हम आ गए वॉशरूम की तरफ, वॉशरूम भी बहुत नीट एंड क्लीन और बहुत साफ़ सुथरा, और हर चीज़ जो है ना यहाँ पे आपकी अवेलेबल थी। वेट मशीन रखा हुआ था, ड्रायर था, और भी जो चीज़ें बाथरूम की, शैम्पू, कंडीशनर, सारी चीज़ें ही आप लोग देख रहे होंगे कि सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो हम फिर इस तरफ आ गए, और अब ये हार्ट को क्रॉस करते हुए अब मैं आपको रूम दिखाती हूँ। ये रूम में ये देखें, ये सारी चीज़ें इस तरीके से आप लोग देखें, इंजॉय करें पूरा रूम। और अब मैं जा रही हूँ चाय बनाने, क्योंकि हम सुबह सुबह निकल गए थे और इस वक्त बड़ी चाय की तलब हो रही थी, तो मैं चाय बना रही थी। लेकिन जो चाय है ना वो टी बैग वाली मिलती है होटल में, तो आप लोग सबको पता होगा कि हमें तो, हम लोग कहाँ पाकिस्तानियों को टी बैग वाली चाय पसंद आती है, हम तो अपनी वो जो है पकी हुई चाय पीने की आदी हैं। तो यहाँ पे मैंने टी बैग वाली चाय बनाई, बट वो चाय बहुत पतली पतली इतनी वो चाय थी कि हमने फिर ये सोचा कि हम वहाँ चलते हैं। बाहर जाके हमने फिर पठान के होटल की चाय पी, तो उससे जो है ना फिर हमें हमारी जो चाय की जो क्रेविंग है वो ख़त्म हुई, कि लगा कि हाँ हमने चाय पी है। लेकिन खैर कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है। तो यहाँ पर मैंने चाय तैयार की, और मैं चाय तैयार ही कर रही थी तो मेरे हस्बैंड भी कह रहे थे कि नीचे बारिश हो रही है, आवाज़ें आ रही हैं टेरेस से बारिश की, तो पूल साइड पे चलते हैं। तो मैंने फिर जल्दी जल्दी, खैर हम लोगों ने चाय पी, और चाय पीने के बाद फिर हमने कहा कि सबसे पहले जो है हम पूल की तरफ ही जाएंगे।
तो जब हम पूल की तरफ गए, पूल बहुत साफ़ सुथरा और इतना अच्छा लग रहा था, ब्लू ब्लू सा, बिल्कुल क्लीन था। उसके पानी का टेम्परेचर जो है इन्होंने सेट किया हुआ था, पानी जितनी भी बारिश हो रही थी, लेकिन पूल का पानी कोई इतना कोई ठंडा नहीं था कि आप जा ना सकें। लेकिन खैर हमारा प्लान रात वक्त के वक्त था पूल का, तो हमने खैर पूल के पास थोड़ी देर टाइम स्पेंड किया। और फिर उसके बाद फिर जब हम रूम में आए तो कॉल आई कि आपका पार्सल आया है। तो फिर हमने जो है अपने यहाँ पे रिसीविंग की इसकी, ये भी हमें गिफ्ट आया था। तो उसके बाद ये फिर हमने इसको थोड़ा बहुत एंजॉय किया, खाया वाया, और इसके बाद हम निकले यहाँ पे। यहाँ पे मेन सेक्शन लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे अगर आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे फिर दूसरी तरफ जो है एक और रास्ता है, जहाँ से वुमेंस वगैरह की सारी मतलब जो चीज़ें हैं वो वहाँ पर हैं। तो यहाँ हम गए तो यहाँ पे ये स्पा था और ये चेंजिंग रूम है, और इसके बाद यहाँ पे मैनीक्योर पेडीक्योर, और जो है यहाँ पे मैं ज़्यादा क्लिप्स नहीं बना पाई क्योंकि ज़ाहिर एक प्राइवेसी का होता है। तो खैर मैनीक्योर पेडीक्योर और इसके अलावा मसाज और स्वाना स्टीम, और इसके बाद ये जिम था, और जिम बहुत ही ज़बरदस्त था। यहाँ डिटॉक्स वाटर रखा हुआ था, खैर मैंने वो भी पिया और काफ़ी देर मैं जिम में रही। बहुत ही अच्छा जिम था ये। पाकिस्तान में तो वैसे भी लेडीज़ जिम की थोड़ी कमी ही होती है, कहीं कहीं बहुत दूर दूर होते हैं। तो खैर मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि यहाँ पे इतना अच्छा लेडीज़ का जिम बना हुआ है। तो यहाँ पे काफ़ी देर मैं रुकी रही, उसके बाद फिर मेरा जो है बेटा भी, वो भी अपना जो है चीज़ों में लगा हुआ था, ये है होटल के बाहर शूज़ साफ़ करने का था, तो हम इस पर भी फ़न कर रहे थे, सब अपने अपने शूज़ साफ़ कर रहे थे। तो मैंने भी कहा कि मैं भी अपने शूज़ साफ़ करूँगी। मेरे हस्बैंड कह रहे नहीं नहीं ख़राब हो जाएंगे वाले। मैंने कहा नहीं नहीं मेरे नहीं होंगे। तो खैर हम मैंने भी ऐसे ही शूज़ साफ़ किए, बड़े अच्छे क्लीन हो गए। इसके बाद फिर रात में डिनर का टाइम हो गया, काफ़ी देर हम घूमे फिरे, और उसके बाद फिर ये डिनर का टाइम हो गया। तो यहाँ पे हम सबसे पहले गए अलबुस्तान में, ये वहाँ पे बुफे का एक रेस्टोरेंट है। तो जब हम यहाँ पे हम गए, लेकिन मतलब अच्छा था, एम्बियंस बहुत अच्छा है और रेस्टोरेंट बहुत अच्छा है, सब चीज़ें। लेकिन जो है ना यहाँ पे ये हमें इतना इनका मेन्यू मतलब पसंद नहीं आया, या शायद हमारा मूड नहीं था वो चीज़ें खाने का। तो खैर आप लोग देखें यहाँ पे इनका मेन्यू, तो ज़्यादातर इसमें जो है ना मतलब जो डेली मतलब हम लोग खाते रहते हैं उस तरह की चीज़ें थी काफ़ी। मतलब ये जैसे सैलड वग़ैरह बहुत अच्छे थे, बट हमें नहीं खाना था सैंडविचेस वग़ैरह, और जो खाने में जो मेन कोर्स वग़ैरह था तो उसमें जो है वो ज़्यादातर देसी खाने बहुत ज़्यादा थे, जैसे कि बिरयानी और कढ़ाइयाँ और फिश, जो आगे आप देखेंगे जो भी है बहरहाल। और डेजर्ट बार इनका बहुत अच्छा था, उसमें बहुत डेजर्ट था, लेकिन क्योंकि एक तो हमने अभी डोनट्स अभी खाए थे, और इसके अलावा फिर रात में भी फिर केक वग़ैरह का भी प्रोग्राम था, तो फिर हमने कहा कि डिज़र्ट में इतने हम लोग कोई ख़ास इंटरेस्टेड नहीं थे। तो खैर हमने ये पूरा हमने यहाँ पे विज़िट किया, इनका सारा बफे वग़ैरह हमने देखा, लेकिन हमने नहीं खाया क्योंकि वही हलीम बिरयानी और ये सारी चीज़ें और कढ़ाई। तो एक तो पहले ही बकरीद की वजह से अभी बहुत ज़्यादा जो है ना इन सब चीज़ों की क्रेविंग नहीं है। तो हमने फिर कहा हम फिर चाइनीज़ रेस्टोरेंट की तरफ गए। यहाँ पे काफ़ी रेस्टोरेंट हैं, सिर्फ एक यही नहीं है। ये अभी मैं सिर्फ आपको अलबुस्तान का ही दिखा रही हूँ, शेयर कर रही हूँ मेन्यू, क्योंकि वरना फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे रेस्टोरेंट जो हैं वो हैं कबाब जीज़ भी है यहाँ पर, और फिर यहाँ पे एक बहुत अच्छा, ये हमें बहुत पसंद आया कि ये चाइनीज़ रेस्टोरेंट है वहाँ पर। तो इसकी ये पूल के बिल्कुल साथ साथ है, तो ये भी बड़ा बहुत ही इसका एक प्लस पॉइंट है कि बड़ा अच्छा लग रहा था साथ बैठे हुए। और फिर अगर आप ऊपर की तरफ आते हैं तो यहाँ पे भी हॉल में आपको कबाब जीज़ रेस्टोरेंट भी है, लेकिन मेरे ख़्याल से जो है ना यहाँ पे कबाब जीज़ में, क्योंकि हम जिस वक्त आए थे तो यहाँ पे फ़ोटोशूट वग़ैरह हो रहा था, ब्राइड्स वग़ैरह आई हुई थी, तो मेरे ख़्याल से ये हमें सही पता नहीं है कि ये रेस्टोरेंट के तौर पे ये लोग यूज़ करते हैं या फिर ये पूरा पूरा बुक करते हैं, क्योंकि यहाँ पर शादी हो रही थी, काफ़ी गेस्ट आए हुए थे, पिक्चर्स वग़ैरह हो रही थी ऊपर। तो ये भी काफ़ी अच्छा था कि जो गेस्ट वग़ैरह आए थे, तो वो भी उनमें से भी आगे आप लोग देखेंगे कि जब हम प्ले एरिया की तरफ थे हम वहाँ पर, तो जो बॉयज़ होते हैं वो तो शादी छोड़ के उस तरफ आए हुए थे। काफ़ी लोगों को हमने देखा कि शादी वाले मतलब तैयारी थी उनकी, लेकिन वो आगे इस तरफ आए हुए थे। तो यहाँ पर शादी करने से ये है कि गेस्ट वग़ैरह भी काफ़ी इन्जॉय कर रहे थे। तो ये देखें ये कबाब जी इसका पूरा बना हुआ था ऊपर, और इसके साथ जो है एक मेरे ख्याल से यहाँ पर टोटल चार हमने देखे,
दो हमने नीचे देखे, एक चाइनीज़ और एक क्या कहते हैं अलबस्तान, और ये जो है द पाकिस्तानी, ये क्लोज़ था। पता नहीं क्यों क्लोज़ था, शायद इसकी कोई टाइमिंग होगी या कुछ। खैर ये सारा हमने देखने के बाद फिर ये हम खाना वाना हमने खा लिया और इसके बाद हम आ गए यहाँ पे प्ले एरिया में। तो यहाँ पे काफ़ी एक्टिविटीज़ हैं, मतलब अगर आप यहाँ पे स्टे करते हैं तो कोई आप ऐसे खास बोर नहीं होते। यहाँ पे ये जो है स्नूकर भी था जो कि मुझे बिल्कुल भी नहीं आता, और मैं एक नाकाम कोशिश कर रही थी इसको खेलने की, लेकिन ये मुझे बिल्कुल भी, मतलब इसकी मुझे कोई अलिफ बे भी मुझे नहीं पता। खैर इसी में हम लोग फ़न कर रहे थे सब एक दूसरे का, मतलब एक सब एक दूसरे का तो नहीं, मेरा ही मजाक उड़ा रहे थे कि मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड के जो है पहले इसको सीखें और फिर खेलें। लेकिन खैर मैंने इसको कुछ भी बना लिया, हॉकी बना लिया, कुछ भी करके मैंने इसको खेल लिया। और साथ साथ ये जैसे कि मैंने बताया था आपको, ये बॉयज़ वगैरह सब शादी वाले आके खूब ये लोग शोर वोर कर रहे थे, तो फिर हमने खैर थोड़ी देर हम यहाँ खेल के, और जब ये लोग चले गए तो फिर दोबारा एक गेम स्टार्ट हो गया। तो फिर जो है ये हम लोग ने ये सब खेला, एंजॉय किया, और उसके बाद ये हमारे बचपन का खेल, हम लोग बचपन में बड़ा खेलते थे, तो ये हमने खेला, ये भी बड़ा अच्छा लग रहा था। उसके बाद फिर इतना मज़ा आ रहा था, रात के वक्त हम पूल साइड पे बैठ गए और काफ़ी देर तक हम लोग यहाँ पे बैठे रहे, और इतना सुकून था यहाँ पे। अब हल्की हल्की जो है क्या कहते हैं बूंदाबांदी भी हो रही थी, और हम काफ़ी देर तक हम यहाँ पे बैठे रहे। उसके बाद फिर जो है ना वो बेटा मेरा चला गया था जिम करने, तो वो अपना जिम कर रहा था, उसको भी हम लोग जब उसको साथ लेके जा रहे थे तो वो हमें लग रहा था कि ये बड़ा परेशान होगा कि मैं बोर हो रहा हूँ और मुझे मज़ा नहीं आ रहा, लेकिन खैर इसको भी बहुत मज़ा आया, इसने भी फुल अपना इन्जॉय किया। और यहाँ पे मौसम बहुत अच्छा हो गया था, बारिश इतनी तेज़ होना शुरू हो गई थी, तो फिर हम अंदर आ गए और इन्जॉय हम बहुत कर रहे थे। यहाँ पे मौसम इतना अच्छा लग रहा था, कोई फिक्र नहीं, घर में ज़रा फिक्र हो जाती है। और फिर यहाँ पे बच्चों की भी कॉल आ रही थी तो मैं सबसे बात बात भी कर रही थी, और इसके बाद हम कमरे में चले गए। तो बाकी की वीडियो जो है वो फिर आपको दूसरे पार्ट में देखने को मिलेगी, क्योंकि काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।